गाइस, अगर आपके भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के बाद क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पर सिंपली ऐसे क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा ऐसे करके देख लेना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ डाटा यूजेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद देख लेना बैकग्राउंड डाटा का जो ऑप्शन होता है वो, यहाँ से अगर आपका ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ से ओके कर देना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। और ऊपर वाले दोनों को चाहे तो आप ऊपर वाले दोनों को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पहली सेटिंग हो गई, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आके अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। ऊपर की तरफ थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेलुलर डाटा यूजेज का ऑप्शन होगा, उसके बाद क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आपका डाटा सेवर ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करोगे यहाँ पर हाई मीडिया का होगा तो यहाँ पर आपको वाईफाई ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर नेबर कर देना है। जैसे आप नेबर करोगे यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर सिंपली ऐसे सेव रखना है। जैसे आप सेव कर दो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल पोस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख लेना सेव पोस्टेड वीडियो, यहाँ पर ये तीनों की तरफ, ये तीनों अगर आपका ऑन है तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार ऑफ करना है, इसके बाद ऑन करना है। दोनों को ऑफ ऑफ करके तीनों को ऑन कर लेना वापस से, ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए। यहाँ से रिफ्रेश हो जाने के बाद सिंपली आपको ऐसे कर देना कट, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे रिफ्रेश कर लेना है। और आपको अपने प्रोफाइल को थोड़ा इधर उधर करके देख लेना है। यहाँ से आपको करना है अपने लॉग आउट कर लेना है, यहाँ पर आ जाना अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। एक बार आपको अपने आईडी को लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, उसके बाद बैक आ जाना। फिर से आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम वाला पर ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर कैच कर लेना। जिससे होता है कि आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी में जो भी कैच पकड़ पड़ा रहेगा वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपकी स्टोरी का ये जो प्रॉब्लम है 15-20 मिनट के अंदर में बिल्कुल भी रिफ्रेश हो जाएगी, आपकी स्टोरी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ऐसे अगर ट्रिक आप अप्लाई करिएगा तो यही था फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।